Hello. Is that Mr. Arvind? Yes. Mr. Arvind, I am calling from insurance company. जी बोलिए. से कितने दिन से हमारे हमारे कस्टमर केयर से भी आपको फोन आ रहे हैं कि आप अपना प्रीमियम जमा करिए, पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए. यू नो दो बार आपको मेल भी भेजा है. होल्ड ऑन, आराम से बात करो. कौन बोल कौन रहा है? मैं आप ही की, आपने जो पॉलिसी ले रखी है उसी कंपनी से बोल रहा हूँ. मैं तीन रिमाइंडर दिए आपको कि पॉलिसी का प्रीमियम जमा करिए, पैसे दीजिए. अब मैं फाइनली आपको ये इसीलिए कॉल किया. मैं आपको बता दूं कि पॉलिसी आपकी कैंसिल हो गई है, लैप्स हो गई है, खत्म हो गई पॉलिसी. खत्म हो गई पॉलिसी? जी पॉलिसी खत्म हो गई. मैंने अब यहाँ से रिटर्न में भी हम मेल भेज रहे हैं आपको. तीन बार हमने इंटीमेट किया, आपने दिया ही नहीं है पैसा. खत्म होगी पॉलिसी? ऐसे कैसे खत्म होगी? ऐसे इसलिए खत्म हो गई, चार साल से मैं आपको प्रीमियम दे रहा हूँ. आप कह रहे हैं कि पॉलिसी खत्म हो गई, कैसे? चार साल से पांचवे साल भी आपको प्रीमियम टाइम पे देना था ना. अरे पागल हो गया क्या? पागल मैं नहीं हो गया. खत्म होगी पॉलिसी? ये कंपनी का रूल है. अगर कंपनी ये क्या, आपने मेरे को जब पॉलिसी दी थी तब आपने ये थोड़ी ना बोला था ये चार साल में खत्म होगी. कैंसिल कर दी. तुम्हें पता है कैसे मैं अपने पैसे जोड़ के अपना पेट काट काट के तुम्हें मैं पैसे जमा करा रहा हूँ? आपको जब ये मालूम है ये एक रूल है कंपनी का. आप वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ हम रिटर्न में मेल भेज रहे हैं आपको. आप पढ़ लेना, पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई है. अगले बार आप दोबारा से पॉलिसी. कैसे लैप्स होगी मेरी पॉलिसी? जब आपको प्रीमियम चाहिए था, जब आप पीछे पीछे आ रहे थे मेरे, अब आप मुझ पे मत चिल्लाइए. आप अबे मुझ पे नहीं चिल्लाऊंगा तो किस पे चिल्लाऊंगा? क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी और आपकी माँ को हुआ क्या है? वो भी चिल्ला रही है. माँ को? आपकी माँ, आपकी मदर, उनका भी मूड खराब है. उनका फोन आया था आपको? उनका फोन आया था, उनकी भी पॉलिसी लैप्स हो गई. मम्मा की पॉलिसी? वो ये कह रही है 34 साल पहले उन्होंने पॉलिसी ली थी आपके नाम पे, और ये कह रही थी अपने बेटे पे पूरा लगा दिया था मैंने, एक एक पैसा लगा दिया था उनका. तो ये भी है उन्होंने खून लगा दिया, अपना पसीना लगा दिया, अपनी जान लगा दी, और वो ये कह रही है पॉलिसी लैप्स हो गई. मैंने पूछा कैसे हो गई, कह रही आज की डेट में उनका बेटा उन्हें कुछ देता ही नहीं है. अरविंद तुम कैसे हो गए हो? जब अपनी पॉलिसी की बात आई और तुम्हें पता चला कि लैप्स हो गई, कैंसिल हो गई, तो हिल गए तुम, क्योंकि पूरा पैसा गया तुम्हारा 4 साल का. उस माँ के बारे में नहीं सोच रहे तुम जिसने 32 साल से इन्वेस्ट किया है तुमने. अरविंद उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं किया था, अपनी जान इन्वेस्ट करी थी तुमने, अपना खून इन्वेस्ट कर दिया था, अपना पसीना इन्वेस्ट कर दिया था, अपने अरमान, अपनी ख्वाहिशें, ये सारी चीजें इन्वेस्ट करी थी. आज 32 साल के बाद तुम्हारी माँ को उसका बदल नहीं मिला. एग्जैक्टली ऐसी है उनकी पॉलिसी जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, और मुझे लगा कि तुम्हें समझाने का तरीका इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता. अरविंद चलो मैं तुम्हें वैसे समझाता हूँ. जिस दिन तुमने पॉलिसी के पेपर साइन किए थे उस दिन तुम्हें उम्मीद हो गई थी कि अब इसका रिटर्न मिलेगा. इसी तरह जिस दिन तुम्हारी मॉम प्रेग्नेंट हुई थी उनको ये लगा था कि उनकी दुनिया में खुशियां आएंगी, फिर तुमने बैंक में पैसे देना शुरू करे. इसी तरह तुम्हारी माँ ने अपनी पॉलिसी के हिसाब से तुम्हें स्कूल भेजना शुरू किया. और पता है अरविंद फर्क क्या है तुम्हारी पॉलिसी और तुम्हारी माँ की पॉलिसी में? ये फर्क है कि तुमने पॉलिसी लेने की शुरुआत ही ये सोच के करी थी कि इसका बदल मुझे मिलेगा, और तुम्हारी माँ की पॉलिसी ये थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर. अरविंद ये वाली पॉलिसी में लिखा होता है कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपकी पॉलिसी कैंसिल. माँ की पॉलिसी में लिखा हुआ नहीं होता, लेकिन अगर माँ की पॉलिसी कैंसिल हो जाए तो अरविंद सब कुछ कैंसिल, सब कुछ कैंसिल. और ये बड़े अफसोस की बात है कि मुझे समझाना पड़ रहा है तुम्हें. और माँ का दिल देखो, उन्होंने शिकायत नहीं करी मुझसे, ये किसी और ने बताया कि तुम बिल्कुल पैसे नहीं देते उनको. वो तुम्हारा सब कुछ लेना नहीं चाहती, लेकिन किसी तीसरे इंसान को लगा कि जब वो बीमार थी उनको पैसे दे दिया. तुम्हें इस बात का अंदाजा क्यों नहीं होता कि उनको जरूरत है पैसों की, उनको जरूरत है खाने पीने की? तुम्हें यह भी मालूम है अरविंद कि तुम्हारे पापा से लड़कर उन्होंने वो करवाया जो तुम चाहते थे, और खुद गुस्सा झेला तुम्हारे पापा का इतना सा कि महीने में तुम अपनी माँ को कुछ ना कुछ दिया करो, तुमसे यह भी नहीं हो रहा. हिल गए ना तुम कि पॉलिसी कैंसिल हो गई या कुछ नहीं मिलेगा. उनका जरा सोचना, 32 साल से इंतजार कर रही होंगी कि मेरी पॉलिसी का कुछ मुझे मिलेगा. तुम इस बात को समझो यार कि अगर तुम्हारी पॉलिसी कैंसिल हो रही थी तुम्हें कैसा लग रहा था. मैं ये वाली पॉलिसी कैंसिल नहीं होने दे सकता था, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया. अरविंद मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे घर के मामले में इस तरह पड़ूं मैं, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ की पॉलिसी ऐसे कैंसिल होने दूं मैं, मैंने इसलिए फोन किया तुम्हें. अब अगर आपको इतना शोक आ रहा है, इतना तरस हो रहा है, तो आप जाके खुद दे दीजिए उन्हें पैसे. ये हैरत की बात नहीं है, दुनिया में हर तरह का इंसान है. अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी पॉलिसी किस तरह पूरा कराऊं, लेकिन आप सबको ये मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाह रहा हूं जो बचपन में मैंने सुना था. एक आदमी को एक परी से प्यार हो गया था, और इस परी ने इस इंसान से ये कहा कि तुम अगर मुझे चाहते हो, तुम अगर मुझे दिल से चाहते हो, तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगी. एक काम करो, अपनी माँ का दिल निकाल के और मेरे कदमों में रख दो. ये इंसान अपनी माँ के पास गया और खंजर लेके चीर दिया अपनी माँ का कलेजा, और उसमें से दिल निकाल के अपने हाथ में ले लिया.
परी को देने के चक्कर में जब ये वापस जा रहा था तेज तेज, तो रास्ते में एक पत्थर से ये टकरा गया और ये गिर गया और इसके हाथ से दिल दूर जा पड़ा। जब ये गिरा तो दूर पड़े माँ के दिल में से आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि माँ की वजह से पूरी दुनिया को छोड़ दूंगा, लेकिन यह भी हकीकत है कि माँ की तुलना पूरी दुनिया में नहीं है। एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।